अस्सलाम वालेकुम जी, ये 2011 मॉडल की टोयोटा विड्स है, 2015 की इंपोर्ट, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, सेकंड ओनर गाड़ी है, 1000 सीसी की स्टार्ट में। गाड़ी में कहीं से भी कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंटल इशू नहीं है। इंजन, गियर, सस्पेंशन, टायर्स, एसी, हीटर, हर चीज़ माशाल्लाह बेहतरीन है। सील देख लें, बिल्कुल अनटच है, पैक है, अंदर से बिल्कुल गाड़ी पैक है। इवन ये फुट पैनल्स भी जो है ना, साफ़ सुथरे हैं, जेन्युइन है। 87,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, बिल्कुल जेन्युइन और साफ़ सुथरे असम्बले हुए रूम के साथ है। इवन ये प्री भी अभी तक ओरिजिनल है। आफ्टर मार्केट इसमें लेदर सीट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं, मैटिंग भी लेदर की हुई है। ये लेफ्ट रेयर डोर, सॉरी राइट रेयर डोर है, बिल्कुल पैक है सीलों में। गाड़ी के माशाल्लाह सारी जोड़ झड़ पे हर चीज़ बिल्कुल पैक है, लाइट नक्के हर चीज़ अपनी जगह पे है, कोई चीज़ रिपेयर नहीं आई हुई। ठीक है जी, ये नट से आपको आइडिया हो जाएगा, इन स्टिकर से, इन जोड़ों से। ये लाइट्स आप देख लें, ये ट्रंक की गाड़ी की सील है, बिल्कुल अनटच। ये लेफ्ट रेयर डोर है, ये सील भी बिल्कुल अनटच है माशाल्लाह। गाड़ी बाहर से स्प्रे है, अंदर से बिल्कुल पैक है, ओरिजिनल है। शावर भी सिर्फ इस वजह से करवाई थी कि इसकी जो यूपीएस की जो बैटरी होती है उसका तेजाब साफ़ किया था, और मुलाजिम ने गलती से वही कपड़ा गाड़ी पे मार दिया। डिस्कलरेशन की वजह से सिर्फ जो है ना ये स्प्रे करवाई थी, अदरवाइज़ प्रोटीन वगैरह का कोई यूजेज नहीं है ख़ास गाड़ी में। कहीं से गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। टायर्स आप देख लें, गाड़ी माशाल्लाह हर हिसाब से पूरी है। अमूमन इन गाड़ियों का मैंने देखा है कि लाइट्स फ्रंट वगैरह डैमेज होता है, लाइट्स वगैरह रिपेयर्ड होती हैं। इस गाड़ी का भी आपको मैं इंजन रूम भी दिखाऊंगा, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, कोई चीज़ इस गाड़ी की अपनी जगह से हिली भी नहीं है। डोर कार्ड्स माशाल्लाह साफ़ सुथरे हैं, अपनी जगहों पे हैं। ये देख लें, लोग अमूमन कहते हैं माइलेज ओरिजिनल है या नहीं, यहाँ से आइडिया हो जाता है कि माइलेज ओरिजिनल है या नहीं। डैशबोर्ड देख लें माशाल्लाह कितना साफ़ और फ्रेश है। डिगी के भी आपको मैंने नट दिखाए हैं, बोनट के भी नट देख लें, नट भी अभी तक नहीं खुले। सील्स देख लें, बिल्कुल अनटच है। एक इंच की भी गाड़ी की कहीं से सील डिस्टर्ब होना बहुत दूर की बात है कि वो अमूमन बोनट या डिगी खोल बंद करने में सील खुल जाती है, माशाल्लाह वो भी नहीं है। अमूमन इन गाड़ियों की ये लाइट्स नक्के वगैरह रिपेयर्ड होते हैं, ये फेंडर के नीचे जोड़ वगैरह रिपेयर्ड होते हैं, माशाल्लाह यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल अनटच गाड़ी है। ये देखें, डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देता हूँ, कोई भाई ख़रीदना चाहे तो रावलपिंडी में गाड़ी देख सकते हैं। और फैमिली यूज़ के लिए बहुत ही माकूल गाड़ी है कि आपको वर्कशॉपों पे ना जाना पड़े। गाड़ी लुक में खूबसूरत है, सीलों में बिल्कुल पैक है, और सारी गाड़ी माशाल्लाह अपनी जगह पे है। जजाकल्ला, शुक्रिया।